हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको हॉरर जॉनरे में इंटरेस्ट है, और अगर आपको हॉरर जॉनरे में इंटरेस्ट है तो आपने कभी ना कभी किसी हॉरर फिल्म में एक कैरेक्टर को पजेस्ड होते हुए ज़रूर देखा होगा। इन पजेशन सीन्स में हम किसी एक इंसान को अपनी मेंटल स्टेट खोते हुए देखते हैं और उस इंसान के शरीर पर किसी और आत्मा का अधिकार हो जाता है। लोकल लैंग्वेजेस में हम इसे भूत चढ़ना भी कहते हैं, और आप में से कुछ लोगों ने गाँव में लोगों को भूत झड़वाते हुए भी शायद देख रखा होगा। वैज्ञानिक इस फेनोमेना को कई बार स्प्लिट पर्सनालिटी या फिर एपिलेप्सी का नाम देते हैं, लेकिन कुछ लोग पजेशन को मानते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बातें करेंगे, जहां हम पजेशन को साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, अगर हम डिमोनिक पोजीशन की बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन चीज़ों पे लोग अर्ली ब्रोंज एज से ही भरोसा करते आ रहे हैं। एंशियंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त भी लोग इन चीज़ों को मानते थे, और कई पुरानी सभ्यताओं में भी इस प्रक्रिया का वर्णन है। सुमेर सभ्यता, जो कि साउदर्न मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोगों का मानना था कि एक इंसानी शरीर में हर एक बीमारी किसी तरह की डिमोनिक पोजीशन है। जी हाँ दोस्तों, उनके हिसाब से हमारी दुनिया में सिकनेस डीमंस हैं जो कि एक इंसान को बीमार कर देते हैं। उन दिनों लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए एग्जॉर्सिज्म किया जाता था, और जो लोग इस प्रक्रिया में निपुण थे उन्हें अशीपू बोला जाता था। अशीपू शब्द का अर्थ होता है सॉर्सरर, और उस शब्द का पर्यायवाची है असु, जिसका अर्थ होता है फिजिशियन। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि उन दिनों भी लोगों की दो विचारधारा थी। पहली, जहां लोग हर एक बीमारी को एक डीमन से एसोसिएट करते थे, और दूसरी, जहां बीमारी को लोग एक फिजिकल कंडीशन मानते थे। नाउ कमिंग टू 16th century, उन दिनों लोग विचेज को काफ़ी मानते थे, और अगर कोई भी इंसान बुरी तरह से बीमार पड़ता है और अगर उस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता तो लोग उसे विचक्राफ्ट का शिकार मानते थे। उस जमाने में सैलम विच ट्रायल जैसी घटनाएं हुई थी, जहां लोगों ने कई इंसानों को विच बोलकर सूली पे चढ़ा दिया था। वहां भी अगर कोई एक आम इंसान किसी तरह की मेंटल या फिर फिजिकल सिकनेस का साइंस शो करता था तो लोग उसे डेविल द्वारा पजेस्ड मानते थे। पजेशन की कहानी आपको कई धर्म में मिल जाएगी, और हर जगह इस चीज को अलग तरह से डिपिक्ट किया गया है। क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक एग्जॉर्सिस्ट ने डिमोनिक एक्टिविटी को 6 तरह से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वन है पजेशन, जहां एक डीमन किसी इंसान के शरीर को अपने वश में कर लेता है, और ये काम डीमन उस इंसान के बिना इजाजत के करता है। सेकेंड इज ऑब्सेशन, जहां इंसान को सडन अटैक्स आते हैं, और इन अटैक्स की वजह से इंसानी दिमाग उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है। कई बार ऑब्सेशन के विक्टिम्स आत्महत्या तक कर लेते हैं। थर्ड है ऑपरेशन, और यहां एक इंसान पे फिजिकली या मेंटली अटैक नहीं होता है, बल्कि अटैक उसके धन, सोशल स्टेटस और फैमिली पे होता है। फोर्थ पे हमारे पास है फिजिकल अटैक ऑन द विक्टिम। फिफ्थ पे हमारे पास है इन्फेस्टेशन, जिसमें घर, चीजें या फिर पेट्स को इफेक्ट होता है। और फाइनली सिक्स्थ पे हमारे पास है सब्जेक्शन, जिसमें एक इंसान अपनी मर्जी से खुद को शैतान के हवाले करता है। अब दोस्तों, हिंदुइज्म में पोजीशन की कॉन्सेप्ट्स रीजन बेसिस पे डिफर करती है, जहां अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग बातों में भरोसा रखते हैं। यहां एक कॉमन चीज ये है कि स्पिरिट्स दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। अगर कोई इंसान एक अच्छी स्पिरिट द्वारा पजेस्ड होता है तो उसका काफी कुछ भला हो जाता है, वहीं अगर एक इंसान किसी बुरी स्पिरिट द्वारा पजेस्ड होता है तो उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। इस्लाम में हम जिन और डेविल्स के बारे में जान पाते हैं, जो कि एक इंसान को अजीब तरह से बर्ताव करने पर मजबूर कर सकते हैं। सिमिलरली, कई और भी धर्म में पजेशन को अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखा गया है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि क्या पजेशन की कॉन्सेप्ट सच है या फिर ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। विज्ञान की माने तो पजेशन और कुछ नहीं बल्कि एक फिजिकल या फिर मेंटल बीमारी है, जहां एक इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। अलग अलग पजेशन अलग अलग बीमारियों के संकेत हैं, और इनमें से सबसे कॉमन है मल्टीपल पर्सनालिटी एंड एपिलेप्सी। दोस्तों, आप सभी में से कई लोग एनिलीज मिशेल के केस के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जहां चर्च क्लेम कर रही थी कि विक्टिम 6 स्पिरिट्स द्वारा पजेस्ड है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि एनिलीज को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की वजह से साइकोसिस हो गई थी।
एनिलीज धार्मिक चीजों से दूर भाग रही थी और इसके जवाब में डॉक्टर्स का कहना था कि एनिलीज ऐसा मान रही थी कि उसके अंदर डीमंस हैं और यही वजह है कि वो ऐसी हरकतें कर रही थी। डॉक्टर्स के हिसाब से रियलिटी में कोई डीमंस नहीं थी और ये बस एक मेडिकल कंडीशन थी। सिमिलरली हमारे सामने रोलेंडो के एग्जॉर्सिज्म की केस भी आती है और वहां भी कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने काफी कोशिश करी कि वो इन एक्टिविटीज को किसी मेडिकल कंडीशन द्वारा जस्टिफाई कर सके। फिल्म भूल भुलैया में हमने इस कॉन्सेप्ट की एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन देखी थी जहां स्पिरिचुअलिज्म और साइंस का एक अच्छा ब्लेंड था और हम व्यूअर्स को अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर साइंटिफिक वे में मिल गया था। अब हालांकि ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी पर आधारित थी, लेकिन रियल लाइफ में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केसेस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आपने तो कई बार सुन भी रखा होगा कि एक इंसान पजेस्ड होने के बाद अलग अलग लैंग्वेज में बातें करने लगता है और वो कुछ सुपरनैचुरल शक्तियां भी एग्जिबिट करता है, जबकि वी ऑल नो दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन इन चीजों को भी डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया और उनके हिसाब से ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि अगर वो पूरी तरह से किसी चीज को मान ले तो वो कुछ वैसी ही प्रॉपर्टीज शो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल पर्सनैलिटी में एक इंसान अपने चाल ढाल से लेकर लुक्स तक को पर्सनैलिटी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं क्योंकि मेंटली वो खुद को वैसा ही मान रहा होता है। इस कॉन्सेप्ट की बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन हमें स्प्लिट मूवी में देखने को मिलती है जहाँ एक इंसान के अंदर 23 डिफरेंट पर्सनैलिटीज थी। अब दोस्तों, अगर मैं चाहूं तो मैं आपके सामने 10 से भी ज़्यादा रियल केस स्टडीज ला सकता हूं जहां हम इवेंट्स को ब्रेक डाउन करके काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, लेकिन हर एक केस में आपको दोनों पहलू ज़रूर दिखेंगे। आने वाली लेट नाइट शोज में मैं ऐसी रियल केसेस पे ज़रूर बातें करूंगा ताकि आप भी फैक्ट्स को जानकर अपना खुद का निष्कर्ष निकाल सकें। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले हमारे सामने दो कॉन्क्लूजन्स आते हैं। पहला ये कि डीमंस स्पिरिट्स वगैरह हमारी दुनिया में होते हैं और ये इंसानों को पजेस भी कर सकते हैं। इन असाधारण शक्तियों को समझ काफी मुश्किल है और हर धर्म में इन चीजों के बारे में अलग तरह से डिपिक्ट किया गया है। दूसरा कॉन्क्लूजन ये है कि पोजेशन हमेशा से एक फिजिकल या मेंटल कंडीशन रही है जहां लोगों ने इसको ट्रीट करने के लिए अलग अलग विधि निकाली। कहीं लोग इसे मेडिकेशन से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं लोग इसे एग्जॉर्सिज्म जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में पेशेंट को डालकर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। विधि कोई भी हो, एंड गोल यही थी कि विक्टिम या फिर पेशेंट ठीक हो जाए, और इसी चक्कर में हमारे सामने दो पहलू आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में एक इंसान ये मान लिया है कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है तो उसे आप कितना भी दवा खिलवा दो वो ठीक होगा ही नहीं, वहीं अगर आप उसकी झाड़ फूंक करवा दो तो वो अपने आप को ठीक महसूस करने लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि डीप इनसाइड उसने खुद को पजेस्ड मान लिया है और जब तक उसका दिमाग इस बात को मानेगा नहीं कि अब कोई बुरी आत्मा नहीं है, वो ठीक होने की कोशिश तक नहीं करेगा। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी पावरफुल एंड इट इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो विज्ञान के हिसाब से ये सब एक तरह की मेंटल या फिर फिजिकल कंडीशन है जिसको ट्रीट करने के अलग अलग तरीके हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं पर्सनली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज में भरोसा रखता हूं। डॉक्टर्स आज भी इन फेनोमेनन को साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में विज्ञान हमारे और भी कई सवालों का जवाब शायद दे पाएगा। यहां आपकी सोच कुछ भी हो सकती है एंड आई एम क्वाइट ओपन टू नो अबाउट योर ओपिनियंस, तो आप कमेंट में अपनी विचारधारा जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अपने गांव वगैरह में पोजिशन की कोई केसेस देख रखी है तो उसका वर्णन भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पेटीएम पे डोनेशन दे सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दीज डोनेशंस हेल्प मी अ लॉट क्योंकि ऐसी कंटेंट अक्सर डीमोनेटाइज ही होती है। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।